बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी को लेकर ऐसे टिप्पणी की जिस पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। दरअसल जिस तरह से बीजेपी पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, इसे लेकर हम संस्थापक मांझी ने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की बात करने वाली बीजेपी, उम्मीद है इस बार बिहार में किसी पसमानदा मुसलमान को ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी। इसमें उन्होंने बीजेपी से इस समुदाय के किसी को 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का सुझाव दिया है। उन्होंने लिखा कि देश भर में पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की बात करने वाली बीजेपी, उम्मीद है इस बार बिहार में किसी पसमानदा मुसलमान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी। जीतन राम मांझी के ट्वीट के बाद बीजेपी ने आरे हाथ जीतन राम मांझी को लिया। मांझी के ट्वीट पर वार करते हुए निखिल आनंद ने लिखा कि जीतन राम मांझी कभी कभी सुर्खियां बटोरने के लिए टिप्पणी करते हैं। मांझी जैसे वरिष्ठ सम्मानित नेता को किसी भी अन्य पार्टी या नेता के मुखपत्र या प्रवक्ता के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बीजेपी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी को किसी मुफ्त और उधार की सलाह की कतई जरूरत नहीं है। वहीं निखिल आनंद ने एक और भी ट्वीट किया और जीतन राम मांझी को घेरा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी लोकतांत्रिक राष्ट्र पार्टी है जिसमें कोई नहीं जानता कि पार्टी का अध्यक्ष और सीएम कौन होगा, लेकिन हम जीतन राम मांझी जी की एक निजी पार्टी है, इसलिए अपने व्यक्तिगत आधार पर जरूर तय कर सकते हैं कि एक पसमानदा उनकी जगह अध्यक्ष बनेगा या उनके बेटे की जगह मंत्री बनेगा। बहरहाल बिहार में नेताओं के बीच ट्वीट वार सुर्खियों में रहती है, रोज कुछ न कुछ बयानबाजी होती है और जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी नीतीश सरकार को घेरती ही दिखती है। वहीं महागठबंधन सरकार भी इस पे पीछे नहीं रहती है।